झुंझुनू के आबादी क्षेत्र में खनन कार्य का विरोध, पूर्व मंत्री गुड्ढा के अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। झुंझुनू शहर के आबादी इलाके में स्थित काना पहाड़ में हो रहे अवैध खनन कार्य का लगातार विरोध तेज हो रहा है। बुधवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्ढा की अगुवाई में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जमा होकर प्रदर्शन किया और खनन कार्य को तुरंत बंद करवाने की मांग की। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्ढा ने कहा कि शहर के बीच खनन कार्य चल रहा है और ब्लास्टिंग हो रही है, यह कल्पना से परे है कि आबादी क्षेत्र में इस तरह खनन कार्य किया जा सकता है। पहले की रिपोर्ट और मापदंडों के अनुसार यहां खनन की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये काम जारी है। गुड्डा ने आगे कहा कि खनन कार्य के कारण स्थानीय लोग डरे हुए हैं और दहशत का माहौल है। इसके साथ ही उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि फतेहसरा में व्यापारियों का रास्ता बंद कर दिया गया है, उनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा। इसी तरह दौरासर गांव में एक परिवार पर बदमाशों ने घर में घुसकर हमला किया, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही थाने में बंद कर दिया। जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। गुड्डा ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर से वार्ता करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे, साथ ही गुड्डा ने प्रभारी मंत्री को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री झुंझुनू जिले का चक्कर लगाकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन यहां की समस्याओं पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लीजी चल रही है, ब्लास्टिंग हो रही है शहर के बीच में, ऐसा कभी कल्पना नहीं कर सकते। इंटीरियर के अंदर लोग पहाड़ों के अंदर, इंटीरियर के अंदर भी ऐसा नहीं होता। और इसके जो मापदंड है, पहले की रिपोर्टें थी, यहाँ नहीं हो सकता। पता नहीं पैसे देके, अपना ईमान देके किसी का खरीद के उन्होंने कोई कागज बनवा लिए होंगे। और ये जिस तरह का वातावरण बढ़ा रहे हैं, कहीं से जस्टिफाई नहीं होता। झुंझुनू शहर के बीच में इस तरह की ये माइन चलाना, ली चलाना, ब्लास्टिंग करना, और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो पूछते एक बार कलेक्टर साहब से क्या बात है। प्रभारी मंत्री बार बार यहाँ झुंझुनू में आ रहे हैं, मीटिंगें हो रही है, जनता को नहीं मिल रहा है। मतलब भाजपा के पदाधिकारी मीटिंग में बैठते हैं, मीडिया को अलाउ नहीं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप प्रभारी मंत्री से पूछिए कि आपके फतेहपुरा के अंदर रेबारियों का रास्ता रोक रखा है, बच्चे उनकी उठा ले गए, बच्चों को स्कूल में नहीं जाने दे रहे, और इस एक दौरासर के अंदर नाइयों के घर बैठ के बच्चों से बदमाशी कर ली है, और लोगों को घर जाके पीट दिया, उन्हीं को थाने में बंद कर दिया, और 50 तरह की 100 तरह की शिकायतें। क्या कर रहा है प्रभारी मंत्री? रोज चक्कर लगा रहा है, लगाने से क्या होगा? वो तो बंदर वाली कहावत होगी, मेरी मेहनत में कमी क्या, आउटपुट क्या है, कर क्या रहे हैं?